किडनी में संक्रमण होना आपके लिए कई बार जानलेवा हो सकता है, क्योंकि किडनी में थोड़ी सी भी परेशानी आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि छोटी सी किडनी है, अगर संक्रमण हो भी जाएगा तो हमारे इस विशाल शरीर का क्या उखाड़ लेगी, तो आप ऐसी सोच को अपने आसपास भी न भटकने दें, क्योंकि ऐसा सोचना आपकी किडनी में खराबी कर सकता है, जिसके कारण आपको बॉडी में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर में रहने वाली ये छोटी सी किडनी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर आपकी किडनी किसी भी कारण से संक्रमित हो जाए तो आपका जीवन जीना मुश्किल हो सकता है। कैसे हो सकता है आपको किडनी में संक्रमण, इसको जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत खास है। और आप हमारी इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जिन्हें किडनी से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो आपकी हेल्प से उन्हें भी राहत मिले। हेलो एंड वेलकम टू आवर YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट प्रेजेंटेड बाय कर्मा आयुर्वेदा, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। और ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि कौन से आहार किडनी में संक्रमण का कारण बनते हैं। पर इससे पहले, अगर आपको किडनी संबंधी कोई भी समस्या है तो आप अपनी समस्या डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म की मदद से हमें बता सकते हैं, ताकि डॉक्टर पुनीत किडनी स्पेशलिस्ट बेहतर परामर्श देकर आपको रोग मुक्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं किडनी में संक्रमण करने वाले आहारों के बारे में। किडनी में संक्रमण अक्सर तब होता है जब आपको यूरिन में संक्रमण की समस्या हो जाती है, क्योंकि आपकी किडनी का काम आपके रक्त को साफ करना होता है, और साथ ही आपको यूरिन भी सही मात्रा में हो ये काम भी आपकी किडनी का होता है। पर जब आपकी किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तो इससे आपको यूरिन की मात्रा में कमी आ जाती है, जो कि किडनी में संक्रमण की स्थिति पैदा कर देती है। इसके अलावा किडनी में संक्रमण तब होता है जब आप पानी कम पीते हैं और यूरिन रोक कर रखते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जमा गंदगी शरीर से बाहर नहीं निकल पाती और इससे आपकी किडनी में संक्रमण हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो अपनी इन आदतों में बदलाव जरूरी है। इसके अलावा आप अपने आहार में कुछ चीजों का सेवन करने से बचें, क्योंकि ये किडनी में संक्रमण का कारण बन सकते हैं। किडनी संक्रमण में आप विटामिन ए युक्त कोई भी आहार न खाएं, क्योंकि विटामिन ए युक्त चीजों का अधिक सेवन आपकी किडनी में संक्रमण का कारण बनता है। इसके साथ ही आप कार्बोहाइड्रेट वाले आहारों से भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसे आहारों का सेवन आपकी किडनी में संक्रमण कर सकता है। अपने आहार में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेना आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। ये आपकी किडनी में संक्रमण की स्थिति बना सकता है। अधिक मसालेदार और तेल वाला आहार आपकी किडनी में खराबी की वजह बनता है। इसके साथ ही आप अपने आहार में उड़द दाल, काबुली चना, मटर, राजमा, सोयाबीन जैसी दालों का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करें। यह आपकी किडनी में संक्रमण को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही फलों और सब्जियों में आवश्यकता से ज्यादा कीवी, बीन्स, टमाटर, किशमिश, खजूर, बेर, आलू, कटहल, बैंगन, अरबी, भिंडी, जामुन, आड़ू, कच्चा आम, केला जैसे आहार भी आपको किडनी में संक्रमण बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य आहार हैं जिनका सेवन आपकी किडनी संक्रमण का कारण बन सकता है, जैसे गुड़, समोसा, पकौड़ी, परांठा, चाट, पापड़, खट्टे पदार्थ, सूखी सब्जियां, मालपुआ, भारी आहार जैसे छोले, ठंडा खाना, दही, दूध से बने पदार्थ जैसे मावा, नॉनवेज, शराब, धूम्रपान, ज्यादा नमक, तेलिया और मसालेदार भोजन, शहद और सभी प्रकार के बेकरी उत्पाद, इन चीजों का जरूरत से ज्यादा सेवन आपकी किडनी में संक्रमण का कारण बनता है, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपने आहार में चीजों का कम से कम सेवन करें और साथ ही पानी का इंटेक सही मात्रा में करें, जिससे आपको यूरिन से जुड़ी कोई भी परेशानी न हो और आपकी किडनी संक्रमण से दूर रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।